सुना अथर्व की बात, छोटी सी उम्र है, छोटी सी अवस्था है, लेकिन भाव तो देखो इस बालक का, दृढ़ निष्ठा तो देखो, संकल्प तो देखो कितना प्रबल है। और तब नारद जी को बड़ा स्नेह उमड़ाया ध्रुव के लिए, और तब ध्रुव को गोद में उठाया, प्रेम किया। नारद जी ने कहा, पुत्र कहाँ जाओगे? ध्रुव जी ने कहा, नारद जी हम बद्रिकाश्रम जाएंगे, बद्रीनाथ धाम। नारद जी ने कहा, पुत्र बद्रीनाथ तो सूखे ज्ञानियों के तपस्या की जगह है, तुम जैसे सुकोमल ऐसे भावुक भक्तों के लिए तप करने की एकमात्र जगह श्री वृंदावन धाम है, एकमात्र जो स्थान है वो श्री वृंदावन धाम है, इसलिए तुम श्री वृंदावन धाम जाओ। और एक दिव्य मंत्र मैं तुम्हें दिए देता हूं, उस मंत्र का जाप करना। तब श्री नारद जी ने ध्रुव जी को द्वादशाक्षर मंत्र की दीक्षा दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवान का द्वादशाक्षर मंत्र, नारद जी ने ध्रुव को इस मंत्र की दीक्षा देते हुए श्री भगवान के लीला माधुर्य का वर्णन किया, श्री भगवान की कथा सुनाई, श्री भगवान के स्वरूप का वर्णन किया, बताया ध्रुव जी को श्री भगवान का कैसा स्वरूप है, कैसा स्वभाव है, कैसे अपने भक्तों पर श्री भगवान कृपा करते हैं। श्री भगवान का परिचय हुआ ध्रुव को, कुछ जाना कुछ समझा, गुरु के रूप में नारद जी मिले, नारद जी की कृपा हुई ध्रुव के ऊपर, ध्रुव श्री वृंदावन धाम चले गए तपस्या करने के लिए। मंत्र जाप के पीछे, मंत्र में जो सन्निहित देवता है, जो इष्ट है, जो आराध्य है मंत्र के, उनके ध्यान के बिना मंत्र जाप मात्र व्यसन है, कोरा व्यर्थ है। मंत्र जाप ऐसा होना चाहिए कि जो ध्याता है मात्र वही शेष बचे, जो ध्येय है मात्र वही शेष बचे, ना ध्याता बचे ना ध्यान बचे। ऐसी अवस्था यदि प्राप्त हो जाए जीवन में मंत्र जाप करते हुए कि मात्र शिव भगवान की छवि ही हृदय में शेष रह जाए, ना अपने शरीर का कोई ध्यान रहे, ना माला का कोई ध्यान रहे, ना ध्यान कर रहे हैं ना तप कर रहे हैं इस बात का ध्यान रहे। जब ऐसा मंत्र जाप होता है जीवन में, तब शिव भगवान के दर्शन होते हैं। ध्रुव जी आए श्री वृंदावन धाम। पहले मास में, पहले महीने में ध्रुव जी ने बेर और कैद के फलों का सेवन किया, 12-12 दिनों के अंतर से। दूसरे मास में जब ध्रुव जी प्रवेश करते हैं, तब मात्र घास फूस का सेवन किया, स्वाद पर विजय प्राप्त की पहले ध्रुव जी ने। 9-9 दिनों के अंतर में सिर्फ सूखे पत्ते और घास खाए। तीसरे माह का जब तप प्रारंभ हुआ ध्रुव जी का, तब मात्र जल लिया, अन्य का भी परित्याग कर दिया, खाना भी छोड़ दिया। एक एक करके यह पंच महाभूत से
मुक्त मुक्त होते जा रहे हैं ध्रुव। चौथे मास में जब प्रवेश किया ध्रुव ने, तो 6-6 दिन के अंतराल में सिर्फ वायु का सेवन किया। पांचवें मास का कब प्रारंभ हुआ? ध्रुव जी जो पद्मासन में बैठे हुए थे अब खड़े हो गए। अब तो जो सांस चल रही थी, जो वायु का सेवन कर रहे थे, वह भी रोक दिया, उसका भी त्याग कर दिया। और जब श्वास अवरुद्ध हो गया ध्रुव का, तब संपूर्ण प्रकृति की प्राणवायु रुक गई। समस्त प्रकृति में जैसे प्रलय ही आ गई, सबकी श्वास रुक गई। ऐसी अभेद धारणा प्रकृति के साथ ध्रुव की सिद्ध हो गई। और ध्रुव जी के अंगूठे से हल्का सा संप्रेषण हुआ इस पृथ्वी पर, हल्का सा दबाया अंगूठे से, तो यह पूरी पृथ्वी ही डोलने लगी। ऐसा अद्भुत तप प्रकट हुआ, ऐसा अद्भुत तेज ध्रुव जी का प्रकट हुआ। सभी देवता, सभी ऋषि मुनि घबरा गए, भागते हुए गए श्री भगवान के पास। कहा, प्रभु रक्षा करो, त्राहिमाम त्राहिमाम, क्या हो रहा है, कौन सी शक्ति है, ऐसा लगता है जैसे प्रलय ही आ गई। श्री भगवान ने कहा देवताओं को, ये मेरे भक्त का प्रभाव है, ये मेरे भक्त की तपस्या से हो रहा है। उसका चित्त मुझ परमात्मा में इतना युक्त हो गया है, ऐसी अभेद धारणा सिद्ध हो गई है उसकी मुझ में, कि उसके श्वासावरोध से इस प्रकृति की प्राणवायु रुक गई है। मैं अभी जाकर के उसको उसके तप से निवृत्त करता हूं। और तब श्री भगवान ध्रुव के समक्ष प्रकट हुए। ध्रुव जी के तो नेत्र बंद हैं, कुछ कहा जाता नहीं ध्रुव से। सिर्फ ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह मंत्र का जाप ही चल रहा है। वह भी मन में श्री भगवान प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब ध्रुव की आंख खुले तो कुछ बात बने, कुछ बात हो ध्रुव से। लेकिन ध्रुव है जो आंख खोलते नहीं, नेत्र बंद है। तब श्री भगवान ने जो छवि श्री भगवान की ध्रुव जी के हृदय में बसी हुई थी, जिस छवि का ध्यान कर रहे थे ध्रुव, श्री भगवान ने उस छवि को संकर्षित कर लिया, उनके हृदय अवकाश से खींच लिया। और तब जैसे कोई सर्प तड़प जाए, वैसे ही ध्रुव भी तड़प गए, उनकी आंखें खुली, सामने साक्षात श्री भगवान प्रकट हुए। देखा ध्रुव ने, श्री भगवान के दर्शन किए, हाथ जुड़ गए, मस्तक झुका करके श्री भगवान को प्रणाम किया, प्रेमाश्रु बहने लगे ध्रुव के नेत्रों से, भाव विभोर हो गए। ऐसी अवस्था है ध्रुव की कि वाणी प्रकट होती नहीं है, बोले तो क्या बोले, कंठ रुधा हुआ है, बस एकमात्र अभिव्यक्ति है तो वो आंखों से बहते हुए आंसू। श्री भगवान समझ गए ध्रुव की परिस्थिति को। और तब श्री भगवान का जो शंख है, अपने शंख का स्पर्श कराया श्री भगवान ने ध्रुव के कपोलों से, तब ध्रुव जी की वाणी प्रकट हुई। अद्भुत स्तुति ध्रुव जी ने की श्री भगवान की। भाव विभोर है ध्रुव। उस दिन को याद कर रहे हैं
जब अपने पिता के दर्शन के लिए गए थे और किस प्रकार से वे माता ने अपमानित करते हुए धक्के मार करके ध्रुव को राजमहल से बहिष्कृत कर दिया, बाहर निकाल दिया। और आज ऐसा सौभाग्य जागा, ध्रुव का साक्षात श्री भगवान प्रकट हुए, ध्रुव की तपस्या से श्री भगवान प्रसन्न हुए। श्री भगवान की स्तुति करने लगे, बार बार प्रणाम करने लगे श्री भगवान को। और तब ध्रुव के इस भाव को देख करके श्री भगवान ने ध्रुव को अपनी गोद में उठा लिया। वह ध्रुव जो अपने पिता की गोद को पाने के लिए मचल गया था एक दिन, आज साक्षात उस परमात्मा की गोद प्राप्त हुई ध्रुव। ऐसा सौभाग्य ध्रुव के जीवन का। उस अपमान से, उस अवसाद से भरे हुए ध्रुव, ध्रुव सकल आदि जपे हरि नाहु पावहि अचल अनुपम ठाव, उस ग्लानी से भरे हुए, जिस तीव्रता से श्री भगवान की तपस्या की ध्रुव ने, श्री भगवान की उपासना की, 6 महीने के अल्प अवधि में, छोटे से समय में, 5 वर्ष की आयु में ध्रुव ने श्री भगवान को पा लिया। जहां बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र, बड़े बड़े ऋषि मुनि सिद्ध महात्मा जन्म के जन्म बीतते चले गए, कठोर तप करते रह गए, श्री भगवान प्रकट नहीं हुए, आज इस छोटे से बालक ने अपने भाव से, अपनी तपस्या से, छोटे से समय में, कम से कम समय में, 6 महीने के समय में ऐसी तपस्या की महाराज ध्रुव ने कि श्री भगवान प्रसन्न हुए, ध्रुव के समक्ष प्रकट हुए। जब कभी जीवन में आपने अनुभव किया होगा, जब व्यक्ति किसी के द्वारा कभी अपमानित होता है, जब उसका हृदय किसी के व्यवहार से, किसी की वाणी से, जब उसके हृदय पर चोट पहुंचती है, जब कभी अपनों के द्वारा तिरस्कृत होता है, तब वह जो भावना अंदर से उठती है, उस भावना में जब जो कार्य किया जाता है, उस प्रतिक्रिया में जो कार्य किया जाता है, अपने आप को प्रूफ करने के, अपने आप को सिद्ध करने के, वह जो परिश्रम होता है, वह जागा हुआ होता है। वह जागृत अवस्था में होता है, उसकी तीव्रता बहुत अधिक होती है। सामान्य परिस्थिति में किया हुआ कोई भी कार्य वह इतना तीव्र नहीं होता। जब व्यक्ति कभी अपमानित हो, अपने ही सगे संबंधियों के द्वारा, अपने इष्ट मित्रों के द्वारा, जिनसे उसका बहुत लगाव, जब ऐसा तिरस्कार, जब ऐसा अपमान व्यक्ति के जीवन में होता है, तब वह जो कार्य करता है अपने आप को सिद्ध करने के लिए, अपने आप को प्रूफ करने के लिए, उस कार्य की जो तीव्रता होती है, उस समय उसकी जो अचीवमेंट्स होती हैं, वो बहुत अधिक होती है। तब जो परिश्रम होता है, ऐसा वह परिश्रम उस व्यक्ति को बहुत उपलब्धियां प्राप्त कराता है। इसलिए आप देखें, जो ऐसे बहुत से जो लोग हैं जीवन में, जिन्होंने
कामयाबी की बहुत ऊंचाइयां प्राप्त की अपने जीवन में। कहीं ना कहीं उनको उनके बैकग्राउंड में, उनके जीवन दर्शन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा एक वृतांत जरूर होता है उनके जीवन में। एक ऐसा प्रसंग जरूर होगा जहां उन्हें हृदय पर चोट लगी हो। उसके रिस्पॉन्स में, उसके प्रतिक्रिया में जब यह व्यक्ति जब कार्य करता है, उस कार्य से जो परिणाम निकलते हैं उस परिणाम की बात ही कुछ और। ऐसे ध्रुव विमाता के द्वारा जो शब्द शल्य, जो अपमान के वह जो कठोर शब्द सुने ध्रुव ने, और तब जो तपस्या की, ऐसी कठोर तपस्या की, ऐसा परिश्रम किया ध्रुव ने कि साक्षात श्री भगवान ही प्राप्त हो गए। एक किसी कवि ने बहुत सुंदर कविता लिखी है, जीवन में सुनने समझने योग्य। छिप छिप शुरू बहाने वालों, छिप छिप शुरू बहाने वालों, जीवन व्यर्थ लुटाने वालों, छिप छिप शुरू बहाने वालों, जीवन व्यर्थ लुटाने वाले, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है, जीवन नहीं मरा करता है। सपना क्या है नयन सेज पर, सपना क्या है नयन सेज पर, सोया हुआ आँख का पानी, सपना क्या है नयन सेज पर, सोया हुआ आँख का पानी, और टूटना है इसका जो, और टूटना है इसका जो, जागे कच्ची नींद जवानी, रूठे दिवस मनाने वालों, रूठे दिवस मनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, चंग खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है, बचपन नहीं मरा करता है। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पौधी, खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर। हमको लगता है कि हमारा ये चला गया, हमारा वो चला गया, इसने हमें ये कह दिया, वैसा कह दिया, हमारा अपमान कर दिया। अरे ये शरीर भी यदि चला जाए तो खोता है क्या? केवल जिल्द बदलती पोथी। ज्ञान वही है, ग्रंथ वही है, जिल्द बदल गया बस। खोता कुछ भी नहीं यहां पर,
केवल जिल्द बदलती पोथी, जैसे रात उतार चांद, जैसे रात उतार चांद, पहने सुबह धूप की धोती, वस्त्र बदल कर आने वालों। कितनी बार वस्त्र बदल कर आए हम इस संसार में, किसे पता है। वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों, वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों, लाख करे उपवन कोशिश पर, लाख करे पतझड़ कोशिश पर, उपवन नहीं मिटा करता है, उपवन नहीं मिटा करता है। छिप छिप अश्रु बहाने वाले, मोती व्यर्थ लुटाने वाले, छिप छिप अश्रु बहाने वाले, तो ध्रुव जी अपमान किया विमाता ने, तो चुपचाप घर में बैठे नहीं। नारद जी ने कहा ध्रुव को कि ध्रुव अभी तुम बहुत छोटे हो, ये तप करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये कोई आसान कार्य नहीं है, इसलिए वापस लौट जाओ। लेकिन ध्रुव जी का निश्चय दृढ़ है, उनका संकल्प प्रबल है। अपमान हुआ लेकिन ऐसी तपस्या प्रकट की ध्रुव ने कि श्री भगवान प्रसन्न हो गए ध्रुव जी के ऊपर। और तब श्री भगवान ने कहा ध्रुव को कि पुत्र मैं बहुत प्रसन्न हुआ, अब तुम कोई वरदान मांगो मुझसे। जब कहा श्री भगवान ने कोई वरदान मांगो तो ध्रुव तो नाराज हो गया श्री भगवान से, उनकी गोद से उतर आए, तुरंत दूर जाकर के खड़े हो गए, कहा कैसे भगवान हो तुम, अरे प्रभु आपके दर्शन करके इस जीव को निष्काम हो जाना चाहिए, और आप कैसे भगवान हैं, कामना पैदा कर रहे हैं बार बार, मांग लो मुझसे मांग लो। वैसे भी यह संसार एक अरण्य के समान है, एक ऐसे वन के समान है, इसमें यह जीव चलते चलते कितने ही कांटे चुभते हैं उसके पैर में, कभी पुत्र का कांटा, कभी पिता का कांटा, कभी पत्नी का कांटा, कभी धन का कांटा, कभी पद प्रतिष्ठा का कांटा, चुभते ही चले जाते हैं। और आप बार बार मुझसे ये कह रहे हैं कि मान लो मान लो, एक और कांटा, आपके दर्शन करके प्रभु मैं पूर्ण तरह से निष्काम हो जाना चाहता हूं, मेरे जीवन में अब कोई कामना नहीं। यदि कुछ दे सकते हैं प्रभु तो मुझे अपने साथ ले चलो। श्री भगवान ने कहा ध्रुव इच्छा तो मेरी भी बहुत है कि तुम्हारे जैसे ऐसे छोटे से सुकोमल भक्त के बिना मैं भी कहां अकेला रह सकता हूं, लेकिन अभी मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। ध्रुव जी ने कहा प्रभु बहाने मत बनाइए, मैंने तो सुना है आपका वैकुंठ बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है, क्या मेरे लिए आपके वैकुंठ में रहने योग्य कोई स्थान नहीं है,
भगवान ने कहा ध्रुव को, पुत्र वैकुंठ है तो बहुत बड़ा, लेकिन पुराने मॉडल का है ना, तुम्हारे जैसे भक्त के लिए तो कोई नए लोक की रचना करनी होगी, कोई नया स्थान बनाना होगा, उसके लिए मुझे कुछ समय दो पुत्र, और तब तक मेरी ऐसी इच्छा है कि तुम इस ब्रह्मावर्त का शासन संभालो, मैं तुम्हें इस ब्रह्मावर्त का राजा नियुक्त करना चाहता हूं। ताकि इस पृथ्वी पर रहने वाले ये लोग, यह मनुष्य यह देख सके, जब एक भक्त राजा बनता है, जब एक भक्त का शासन होता है तो वह शासन कैसा होता है। मैं चाहता हूं कि लोग इसको देखें, समझें। और तब महाराज ध्रुव ने श्री भगवान की इच्छा अनुसार, ऐसी कथा आती है कि 36,000 वर्षों तक इस पृथ्वी के सम्राट महाराज ध्रुव हुए। जब ध्रुव जी का शासन पूर्ण होने को हुआ, जब 36,000 वर्ष पूर्ण होने को हुए, तब जब ध्रुव अपने नित्य साधना में होते तो कोई काली परछाई उनके इर्द गिर्द आकर के मंडराने लगती। उनको समझ में आती नहीं ये बात कि ये परछाई, ये काली छाया, और तब अपने जल से अभिषिक्त करके जब प्रक्षण किया महाराज ध्रुव ने, तो मृत्यु देवता प्रकट हुए, ध्रुव जी को प्रणाम किया, कहा महाराज क्या करूं, आपको छूने का साहस तो मुझ में है नहीं, लेकिन बहुत संकोच से मुझे आपको बताना पड़ रहा है कि आपका कार्यकाल अब पूर्ण हुआ, आपका शासन अब पूर्ण हो गया, 36,000 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, अब शिव भगवान आपको बुला रहे हैं, आपकी प्रतीक्षा में हैं, आपके लिए एक नए लोक का निर्माण किया है, ध्रुव लोक का निर्माण किया है, द्वार पर शिव भगवान और साक्षात महालक्ष्मी पुष्प का हार लेकर के आपके स्वागत में खड़े हुए हैं। एक विमान प्रकट हुआ वहां पर, ध्रुव जी ने जब देखा, अपने ध्यान के प्रकाश में पूरा अतीत दिखाई दिया, एक बहुत लंबा समय गुजर गया, अब चलने का समय आया, और जब महाराज ध्रुव उस विमान में चढ़ने को हुए तो मृत्यु देवता ने अपना सिर आगे कर दिया, कहा महाराज मुझे भी तो सौभाग्य दीजिए, आप जैसे भक्त के चरणों का स्पर्श पा करके मैं मृत्यु भी धन्य हो जाना चाहता। यह मनुष्य इस जीवन में मृत्युंजय हो सकता है, काल विजयी हो सकता है, ऐसी अनंत संभावनाएं छुपी हुई हैं इस मानव शरीर में, लेकिन हम इन संभावनाओं से निरंतर ही वंचित होते जा रहे हैं। ऐसा अद्भुत चरित्र महाराज ध्रुव का श्रीमद् भागवत में आया। अपने धाम को गए महाराज ध्रुव, और आज भी हम उनके दर्शन कर सकते हैं, जिसे हम ध्रुव एक तारे के रूप में दर्शन करते हैं।